जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बात कर रहे हैं आने वाले साल 2025 के बारे में कि वो कैसा होने वाला है। वी हैव कवर्ड फॉर नंबर्स 1 to 7 और आज हम बात करेंगे अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 है या आपका डेस्टिनी नंबर 8 है तो ये जो आने वाला साल 2025 है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सरेका और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। जैसा कि आप सब जानते हैं ये जो आने वाला साल है 2025 वो मंगल से प्रभावित है और अगर आपका पर्सनल ईयर 8 है दैट मींस शनि की प्रधानता है या आपका डेस्टिनी नंबर 8 पे आता है तो ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये साल जो आपके लिए मुख्य रूप से उभर के आएंगे वो है, ये साल है आपके अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स का। इतने सालों तक आपने जो इतना मेहनत पुट इन किया है इस साल आपको उसमें रिकग्निशन मिलेंगे, आपको उसके रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, ये साल भी आपसे मेहनत तो काफी करवाएगा, इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीम हार्ड वर्क, बट ये ईयर आपको बहुत सारे पैसे मनी भी देने वाला है। सो इट्स ऑल गोइंग टू बी अबाउट मनी मनी एंड मनी, पर थोड़े से कुछ कंडीशंस अप्लाइड है। वो क्या है, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, आप अगर उससे बाहर नहीं निकलेंगे तब कुछ नहीं होने वाला है। जहां आप अपने आप को पुश करेंगे, कुछ रिस्क लेने की क्षमता रखेंगे, यू विल स्टार्ट सीइंग ग्रेट रिजल्ट्स। आपको गिव अप नहीं करना है। अगर इस साल आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो हैड, एफर्ट्स दीजिए उसमें और आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। बट आप यू मेक श्योर कि यू नो यू गो विद द प्रॉपर प्लानिंग। आप मंथली प्लानर्स बनाइए, उसको ब्रेक डाउन करके अपना वीकली प्लानर्स बनाइए, डेली टू डू लिस्ट बनाइए, स्टिक टू इट, बी डिसिप्लिन एंड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। कभी कभी जब फोकस आपका इधर उधर हो जाए, लगे कि आप थोड़ा सा भटक रहे हो, तब पाइराइट का यू नो एनी फॉर्म क्लस्टर या ट्री या पेंडेंट उसे यूज कीजिए, इट विल गेट योर फोकस बैक ऑन योर वर्क। सो जैसे कि मैंने कहा ये साल आपके लिए है प्रोस्पेरिटी का, ऑनर्स मिलने का, अवार्ड्स, रिकग्निशन, साथ ही साथ आप देखोगे कि आपकी जो चाहत है, एम्बिशन है, उसमें भी काफी बढ़ोतरी हो गई है, वो काफी बढ़ चढ़ के बोल रहा है और आप वो सब हासिल भी कर पाओगे। उसके लिए आपको एक छोटा सा टिप और देती हूँ, आप जो भी यू नो आपकी अर्निंग्स है उसमें से आप एक छोटा सा पोर्शन एक सोशल कॉज के लिए डोनेट कर दीजिए, यू नो कीप इट फिक्स्ड एज अ स्मॉल पोर्शन और आप देखोगे कि इट वर्क सो वंडरफुली फॉर यू। आप देखोगे कि आपको इतना सक्सेस मिलने लगे, जो छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स हैं वो अपने आप एलिमिनेट होने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई लंबे टाइम से आपका लीगल डिस्प्यूट चल रहा था वो आप देखोगे कि इट विल गो इन योर फेवर इन दिस ईयर। ये साल थोड़ा सा आपका लीडरशिप स्किल्स और जो पेशेंस है उसे टेस्ट करेगा, तो दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू हैव दैट काम माइंड। आपको अपना धैर्य बना के रखना होगा और बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप एक घर भी मैनेज कर रहे हो तो आपके अंडर जो वर्क करते हैं आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, इट इज गोइंग टू टेस्ट दैट। वो बहुत मायने रखेगा इस साल। सो Try and be rational, अपने पेशेंस को मत खोइएगा, बिना मतलब पे किसी पे झिझकिएगा मत, कोई भी प्रॉब्लम आए उसे आप शांति से सुलझाने के लिए कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ ये साल कह रहा है आपसे कि आप अपने माइंडसेट पे वर्क कीजिए, ट्राई एंड अचीव द बैलेंस। आपके साथ क्या होता है, जब आप अपने एम्बिशन की तरफ घुस जाते हो तो आपको दिन रात केवल काम ही दिखता है, आपका दिमाग केवल गेन सक्सेस मनी उसकी तरफ दौड़ता है एंड आप जो चीजें हैं, जो अपना प्रोसेस है, जर्नी है, उसे आप इंजॉय नहीं कर पाते हैं। सो वर्क ऑन योर माइंडसेट, दिस विल वर्क इन योर फेवर, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। स्टेडिली वर्क कीजिए, अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट मत कीजिए, थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव लाइए और चीजों से ओवर अटैचमेंट को हटाइए, यू नो बिकॉज यू गेट सो अटैच टू द रिजल्ट्स और द अल्टीमेट थिंग विच यू वॉन्ट, तो उसके कारण आप उस जर्नी को इंजॉय नहीं कर पाते हैं। ये साल आपके लिए मैनिफेस्टेशंस का ईयर है, सो बीट एनी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक जिससे आप कंफर्टेबल हो, चाहे वो वाटर मैनिफेस्टेशन हो, चाहे 369 मैनिफेस्टेशन हो या 555 टेक्निक हो। मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं इन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में, अगर आपको डिटेल में जाना है यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज। तो आप इनमें से जो भी टेक्निक आपको अच्छा लगता है, जिससे आप रिलेट कर पाते हो, डू दैट एंड आप देखोगे कि आपके बहुत सारी चीजें जो है ये आने वाले साल
में आप उन्हें मैनिफेस्ट कर लोगे। अब अगर हम बात करें कि वो कौन से क्रिस्टल्स है जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, तो वो है पाइराइट एंड ग्रीन एवेंचुरिन। ये आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आपको हेल्प करेंगे, एंड साथ ही साथ एमेथिस्ट जो आपको काफी पीस ऑफ माइंड देगा। सो आई होप ऑल द नंबर 8s जिनका पर्सनल ईयर 8 है 2025 में, या जिनका डेस्टिनी नंबर 8 है, वे इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। यू नो यू कैन इम्प्लीमेंट दी स्मॉल थिंग्स जो काफी इजिली डूएबल है, जस्ट इट इज अबाउट द अवेयरनेस। एंड अगर आपको अपना पर्सनलाइज रिपोर्ट चाहिए, सो डू गेट इन टच फॉर द पर्सनलाइज कंसल्टेशन। साथ ही साथ अब हम इस सीरीज में केवल एक नंबर बाकी है, दैट इज नंबर 9, जिसका वीडियो हम जल्दी लाएंगे। लेट अस नो इन द कॉमेंट्स आपका पर्सनल ईयर क्या है आने वाले साल में, एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू गो अहेड विद द कमिंग ईयर। Thank you so much for watching us.